जी हाँ नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो आज एग्जाम हुआ है 21 तारीख को हरियाणा कलर का इंजीनियरिंग सीट में, उस पूरा पेपर की आंसर की। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और अपने आंसर भी मिलाइएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक से खोजा गया शहर वो है इसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का है और इसके बाद हम सीधे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। चंद्रा एक्सरे वैधशाला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक फ्लैगशिप श्रेणी की दूरबीन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के उपग्रह प्रेक्षण यान रॉकेट में किसका उपनाम बाहुबली है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, GSLV-MK3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NICO4 की संरचना है, इसकी जो संरचना है वो है वर्ग समतल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वर्ष कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप तक पहुंचा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1492। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मैक्सवेल, ये हमारी टीम अभी इन्हें सोल्व कर रही है। हम जैसे ही सोल्व हो जाएंगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इनका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो समूह के बाकी शब्दों से कम मिलता है? तो इसका जो आंसर है वो है अदरक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, रीजनिंग है 1, 3, 7, 13, 21। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 33। इसके बाद ये मैथ का ये सोल्व कर रही है हमारी टीम अभी। इसके बाद 16वां क्वेश्चन, ये है रीजनिंग का। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है, स्याही को शहद कहा जाता है और शहद को नारंगी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्याही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्तर फॉर्मूला किस वर्ष में आरंभ किया गया था? और भी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? तो ये किया जाता है घोड़ी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में कौन सा आंकड़ा प्रकार गैर क्रमित और परिवर्त्य है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी टीम अभी सोल्व कर रही है, मैथ का है, ये भी मैथ का है। इसके बाद हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वह शब्द युग्म चुनिए जो दिए गए युग्म द्वारा दर्शाए गए संबंध को दिखाते हैं। जैसे ही कोशिका कोशिका विज्ञान से रिलेटेड है, वैसे ही कीट कीट विज्ञान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था, तो ये जो निर्णय लिया गया था अक्टूबर 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सब युग्म चुनिए जो दिए गए युग्म द्वारा दर्शाए गए संबंध को दिखाते हैं। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, नाखून, नाखून पुलिस। इसके बाद है, हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? ऑप्शन नंबर डी, सन्नो देवी, वेरी इजी पर्सन, हरियाणा जी के बहुत आसान आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पंचकूला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉक्स प्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो लाला लाजपत राय जाता है, तो आंसर होगा इसार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो इसका जो आंसर होगा समवर्ती सूची विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेपी कोलंबो मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है? एक मानव रहित अंतरिक्ष यान जो 2 ए श्रेणी की बुध की कक्षा में ले जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
38 नानोल क्षेत्र के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? वेरी इजी पर्सन, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, यदि मतलब वैल्यू दी, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40, ये अभी सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं 41 क्वेश्चन पर। उपयुक्त आकृति में त्रिकोण गांव में महिलाओं को दर्शाता है, वर्ग बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है और वृद्ध शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है। गांव में शिक्षित नौकरी पेशा महिलाओं कौन से आकृति दर्शाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में पंजाबी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ? इसमें अभी हम डाउट में हैं कि 1956 और 1955 इनमें से कौन सा आएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा, हमें भी पता चले आपकी कैसी तैयारी थी, कैसा एग्जाम आपका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बौद्ध धर्म के महायान पंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, वे बृहत्तर वाहन का संदर्भित करते हैं, ठीक। बुद्ध की छवि की पूजा इस पंथ की एक महत्वपूर्ण परंपरा थी, ठीक। प्रारंभिक अनुयायियों को न्यून वाहन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? वैसे तो सबसे ज़्यादा जो ग्राम सभा की संख्या है वो है यमुनानगर में, और फिलहाल यमुनानगर ऑप्शन में नहीं है। तो इसके अनुसार जो हिसार जिला है इसमें सबसे अधिक ग्राम सभा की संख्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप लाइक करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। और अगर आपको किसी भी स्टडी मटेरियल से दिक्कत आ रही है या फिर कोई एग्जाम से दिक्कत आ रही है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर 70154 7901 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, आपकी क्या कटौती, कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम जो आज का एग्ज़ाम है उससे हम पता लगा सके कि पेपर का लेवल कैसा आया था, क्या कटऑफ जाने वाली है। ये मैथ का आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, पानीपत के बहरौली में कौन सा कारखाना लगा है? वेरी इजी क्वेश्चन, तेल शोधक कारखाना। 51 अभी ये सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमुक्ता माल्यदा पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत डिटेल में प्रश्न पूछा गया ये, इसका जो आंसर हुआ है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध की स्थिति के प्रकोप का सही कारण कौन सा है? कौन सा कारण है? अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी, प्रतिद्वंदी शक्तियों के रूप में अमेरिका और सोवियत संघ का अपार, दूसरे विश्व युद्ध में अक्ष बल की हार, जापान द्वारा पर्ल हार्बर की आक्रमण। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे विश्व युद्ध में अक्ष बल की हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x माइनस टू एक्स एक्स प्लस थ्री गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम तीन तत्व है तो x है, जो यहाँ पर x की वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी यहाँ पर जीरो। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ आपको लेकिन आंसर होगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा जिस जिला पर है, जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? वैसे तो इसके जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो थानेसर, लेकिन थानेसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिको के वर्तमान सीईओ कौन है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका जो वर्तमान सीईओ है वो है रैमन लेगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो दोस्तों कुछ हटाने से रिलेटेड आया जाए तो ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता? तो ये जिसने जीता उसका है ऑप्शन नंबर सी सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? ये जो जिला है वो है यमुनानगर जिले में अथनीकुंड बैरेज के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? इसका जो आंसर है वो दोस्तों करण झील। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का 19, 23, 26, 30, 33, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 37, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64,
अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में ए इजकल टू बी वन, बी इजकल टू थ्री और इसके बाद के अंक को विषम संख्या मान दिया गया। शब्द इंडियन के अक्षरों का कुल मूल्य क्या होगा? बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV का मतलब है, जो कि इसरो के उपग्रह प्रेक्षण यान है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद हम जाते हैं 67 क्वेश्चन, ये एक रह गया दोस्तों, यदि मैथ का है प्लस टू क्लास का है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैट्रिक्स का है दोस्तों, प्लस टू क्लास में आता है ये। इसके बाद 68 क्वेश्चन, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो ये है रेवाड़ी में, जिसका एग्जाम उसने गलत किया है फरीदाबाद, बहुत नालायक स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 10। बहुत इजी क्वेश्चन। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र। इसके बाद निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संगठन ने साफ समुद्र अभियान शुरू किया? ये किया था समूह UN इन्वायरमेंट ने, यानी कि। नेक्स्ट होना, प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? वेरी इजी क्वेश्चन, दिल्ली से रेवाड़ी तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 मैथ का, ही वॉज एयर, इंग्लिश का, सॉरी दोस्तों इंग्लिश का, ही वॉज एयर डैश लास्ट वीक, ही वॉज एयर इन लास्ट वीक आया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर मिलर डजंट लाइक डैश वेटिंग, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी कीप वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कांट स्टॉप मी टू डू व्हाट आई वांट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 77 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डैश बाय ए लाउड नॉइज ड्यूरिंग लास्ट नाइट, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वोक अप। नेक्स्ट है दोस्तों, ये अभी चल रहा है इन पर प्रोसेस, नाइदर ऑफ द टू मैन वर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका जो ऑप्शन है वो नाइदर ऑफ द टू, क्योंकि नाइदर होता है वो टू के लिए होता है, अगर हम इसमें टू यूज़ करेंगे तो सेंटेंस होगा सुपर फ्लॉसिस बन जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस का, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसका जो आंसर होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज रीडिंग, आर का जो प्रेजेंट है ये पास्ट में हो जाएगा और इसके अनुसार सेड टू आस्क्ड हो जाएगा, बाकी सारा सेम रह जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं हिंदी की तरफ, वेरी इजी हिंदी, बच्चों वाली हिंदी पूछिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, बालक से दूध पिया गया, यह वाक्य डैश वाच्य के लिए उदाहरण है, ये जो वाच्य है बाहु वाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रोटी खाता है, यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है, ये जो क्रिया है ये सहक्रमक क्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभूतपूर्व शब्द का अर्थ है, जो पहले कभी नहीं हुआ, जब दोस्तों ए आ गया जाता है इसका मतलब होता है नहीं, मतलब जो पहले कभी न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिराहा इस शब्द में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी तिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ कर लिखिए, लिखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, जो पिल्ला वो है कुत्ते का बच्चा, बछड़ा है गाय का बच्चा, चूजा है मुर्गी का बच्चा, ऐसे करके आप मिला लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन प्लस रथ संधि, ये विसर्ग संधि है और जब विसर्ग संधि जब जुड़ती है तो उसमें ओ की मात्रा देंगे, ऑप्शन नंबर बी मनोरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण शब्द डैश वचन में प्रयोग होते हैं, जो प्राण वचन दोस्तों बहुवचन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लज्जा रही है, इस यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है, यह क्रिया है अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक बने हैं, कितने आपके मार्क्स बने हैं, ताकि हम इसके कट ऑफ से रिगार्डिंग पता लगा सकें। और हमारा नंबर एक बार और लिख लीजिए 70154-77091, आप इस नंबर और व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे से ये पेपर मंगवाना चाहते तो आप व्हाट्सअप के थ्रू मंगवा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो हर दोस्त तक पहुंचा दीजिए जिसका कल या परसों एग्ज़ाम है। धन्यवाद दोस्तों।